निकल जा भाई, निकल गया। चलो ऐसा करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस फिलहाल टाइम हो चुका है 11:30 हो चुके हैं और मैं काफ़ी देर का उठा हुआ हूँ। सो अभी सीन ऐसा है, मैं नहा धो के मस्त रेडी हो चुका हूँ एंड आज हम कुछ करने जा रहे हैं डिफरेंट। कि मैंने ना एक ब्रांड के साथ कोलैब किया है, सो उस ब्रांड का नाम भी आपको मैं बताऊंगा। तो कुछ दिन पहले ना अमेजोन से कोरियर आया था, तो घर वालों ने उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, तो उसको वैसे रख दिया ताकि मैं अनबॉक्सिंग कर सकूँ। सो अनबॉक्सिंग करके मैं आज आपको दिखाऊंगा उसमें कैसे कैसे प्रोडक्ट्स आए हैं और उन प्रोडक्ट के जो रिव्यू होंगे वो भी आपको बताऊंगा। और आज अनबॉक्सिंग का व्लॉग मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि मैं कोई भी अपनी चीज़ हो जो आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। सो चलिए इसी साथ करते हैं शुरू। सो जो कोरियर था वो मेरे रूम में रखा हुआ था, सो मैं वहाँ से ले आया हूँ, तो आप देख सकते हो। तो गाइज अभी तो इस तरह का कुछ कोरियर आया है, ये आप देख सकते हो, अमेजोन का ही है। एंड चलो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कुछ अलग ही पैकेजिंग में आए हैं ये कुछ जाली वाली इसका ये कवर है। सो इसको खोल लेते हैं। तो आपको बता दूं गाइस, मैंने ना शैम्पू एंड ऑयल मंगवाया था, तो हाँ उसके साथ कोलैब किया है। ये ब्रांड है, आपको बता देता हूँ अभी, इस ब्रांड का नाम है बेलाविटा ऑर्गेनिक। सो ये काफ़ी आपने सुना भी होगा, काफ़ी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स हैं, शायद ये है ऑयल एंड ये है कंडीशनर प्लस शैम्पू। सो इसको भी अनबॉक्स करते हैं अभी, सही तो लग रहे हैं देखने में। तो बाहर से तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, अंदर से पता नहीं। सो अंदर से खोल के देखते हैं कैसे दिखते हैं। तो गाइस पहले ना शैम्पू को अनबॉक्स करते हैं, इसकी जो है प्लास्टिक रैपर ये उतार देते हैं। ये इसको लास्ट साइड में डाला हुआ है, तो टन टन, अरे वाह, तो इस तरह को ये आया है शैम्पू। ये इसका है ग्रोथ प्रोटीन हेयर ऑयल, तो ये बेलाविटा का है ब्रांड। तो ये आयुर्वेदा वाले सारे जो प्रोडक्ट हैं दोनों शायद आयुर्वेदा के हैं, ये भी आयुर्वेदा का है और ये भी आयुर्वेदा का है। तो भाई आप देख सकते हो शैम्पू तो कुछ ऐसा आया है, और यूज़ करने के बाद इसके रिव्यू दूंगा आपको, ताकि आप भी मतलब कि मेरे को भी इस पर मतलब भरोसा नहीं है, मैं क्योंकि मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है। तो पहले इसको मैं करीबन 5-6 दिन यूज़ करके, तो आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट्स ठीक थे। सो आप भी मंगवा सकते हो। तो शैम्पू को अब आपने अनबॉक्स कर लिया है, अब करते हैं जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है, कंडीशनर और शैम्पू, क्योंकि ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, और जो शैम्पू और कंडीशनर है ये तो मेरे को चाहिए चाहिए, क्योंकि मेरे को बाल बिल्कुल ना एकदम सिल्की और काफ़ी अच्छे चाहिए, फ्लफी। सो शैम्पू मेरे को काफ़ी पसंद है, सो अगर ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको हाँ यूज़ करूँगा। इसके रिव्यू भी आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। गाइस ये उतारने में काफी मजा आता है इसे, चलो अंदर देखते हैं। खुल जा सिम सिम, अरे वाह, प्रोडक्ट्स तो दिखने में तो काफी अच्छे हैं गाइस, काफी अच्छे। तो ऐसी कुछ जो है ना खांसी सीसी नहीं होती जो दवाई होती है, वैसा कुछ नहीं लग रहा आपको? यहाँ हमारे बिल्कुल पास में एक डॉक्टर है, वहाँ भी डॉक्टर, तो हाँ वो ऐसे दवाई देते हैं, ऐसे सीसी में दवाई देते हैं पूरी, तो वैसी वैसी फीलिंग आ रही है। सो ये है रिवर्स एंड ड्राई फ्रिजी हेयर कंडीशनर। तो गाइस ये कंडीशनर है एंड ये है शैम्पू। सो शैम्पू लगा के कंडीशनर लगेगा, इतना मेरे को पता भी है। तो इसको यूज़ करेंगे, आज तो मैं नहा लिया हूँ, मेरे जो नॉर्मल जो डेली यूज़ का जो है शैम्पू वही मैंने यूज़ किया है। तो इसको अब कल जब मैं नहाऊँगा, मैं रोज नहाता हूँ पहली बात तो, सो जब कल नहाऊँगा ना तो इसको यूज़ करके बताऊँगा, कि एक दिन में तो पता नहीं लगेगा कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, तो हाँ 4-5 दिन में पता लग जाएगा। सो एंड इसके रिव्यू भी आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएंगे। तो भाई पास से भी दिखा देता हूँ ऐसा कुछ है। सो ये ऐसे चलेगा, चलो ये बढ़िया है। अदरवाइज पहले वाले क्या होता था, इसको ना ऐसे पूरा बीच बीच से प्रेस करना पड़ता था तभी वो निकलता था, ये वाला ठीक है, ऐसे निकालेंगे निकल जाएगा। देन ये है कंडीशनर, ये है शैम्पू। सो देखते हैं
ये बेलाविटा ब्रांड है, काफ़ी ट्रेंडिंग है गाइज। निकल जाए भाई, निकल गया, चलो यूज़ करते हैं अब इसको। या कैसा करो, दोनों भी होता है कि दो मारे ना सिर्फ। सो ये फ्लेवर कौन सा है? कोकोनट फ्लेवर है ये तो, कैसे कोकोनट फ्लेवर है ये। चलो ये भी ठीक है। सो हाँ ठीक है, ओके डन। तो भाई प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। सो प्रोडक्ट्स देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बाकी इनके यूज़ पे देखते हैं कि कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। जो इसके रिव्यूज़ होंगे कि कैसे हैं यूज़ में, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है कि नहीं, तो हाँ आने वाले व्लॉग्स में आपको मैं बता दूंगा। सो ये व्लॉग्स में भी थोड़ा छोटा बनेगा। तो अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 11:45 हो चुके हैं, सिर्फ मेरे को 15 मिनट लगे हैं और मैंने अनबॉक्स कर दिया। सो देखते हो मेरी स्पीड कितनी है। तो हाँ, और एक चीज़ ये कि मैंने काफ़ी टाइम बाद आज क्लीन शेव की है, सो आपको ना कुछ ज़्यादा ही ना ऐसे साफ साफ दिख रहा होगा। तो हाँ मेरे को ना पहले जब मैंने किया तो वो थोड़ा ओवर लग रहा था, बट हाँ अब ठीक हो गया। सो आज ब्लॉग काफ़ी छोटा है, तो अभी तो ऐसा सीन ऐसा है, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। शाम को मेरे को थोड़ा काम है, तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो हाँ मार्केट जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्री काम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सो ये था आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय गाइज़।